हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं उस्मानिया बिस्किट, जो कि हैदराबाद में बहुत ही फेमस है। उस्मान अली खान करके एक निज़ाम थे हैदराबाद में, उनके नाम के अनुसार इस बिस्किट का नाम उस्मानिया दिया गया है। और ये खाने में थोड़ा सा सॉल्टी और स्वीट रहता है, और इसको चाय के साथ सर्व किया जाता है। आप कभी अगर हैदराबाद आते हो तो आप इस बिस्किट को ज़रूर ट्राई करना। आपको ये हर एक टी स्टॉल में और बेकरी में अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ये बटर, 80 ग्राम बटर है ये। ज़्यादातर जो बेकरी में उस्मानिया बिस्किट बनाते हैं वो डालडा से बनता है, और डालडा हमारे सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है, इसीलिए हम इसको बटर में बना रहे हैं। बटर को हम रूम टेम्परेचर में मेल्ट करेंगे। ये देखिए, बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। ये मैंने शुगर लिया है 4 टेबलस्पून पाउडर करके। इस शुगर को हम अच्छे से बटर के साथ मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप मैदा। देखिए, मैंने डाल दिया है मैदा को। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे शुगर और बटर के साथ। ये देखिए, मैंने इसको हल्के हाथों से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मैंने 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्टी बनता है, और मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था। आप अगर सॉल्टेड बटर लेते हैं तो थोड़ा सा कम नमक डाल दीजिए इसमें। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम। देखिए, मैंने मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और थोड़ा सा वेनिला एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप डाल देंगे वेनिला एसेंस। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। और ये सारी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मिलाएंगे। एक डो रेडी करेंगे इसका। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिलाकर एक डो रेडी कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से डो रेडी है हमारा। अब हम थोड़ा सा फ्लार को नीचे बिछाएंगे, और इसको रोटी जैसे हम गूंदते हैं वैसे ही थोड़ा सा गूंद लेंगे। फिर से थोड़ा सा फ्लार डालेंगे और इसको बेल लेंगे हम। ये देखिए, इसको मैंने जैसे नान बनता है वैसे ही मैंने लंबा करके बेल लिया है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। मेरे पास ये इसको काटने के लिए कटर नहीं है, इसीलिए मैंने एक बोतल का कैप को यूज़ किया है काटने के लिए। आपके पास अगर कटर है तो आप इसी तरह से राउंड राउंड करके काट लीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसीलिए मैंने एक वगोना लिया है, गैस पे गरम कर लिया है इसको। पहले हम गैस में बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये वगोने को गरम करने के लिए बिठा दिया है। अब एक स्टैंड को हम इस तरह से नीचे रख के इसको कवर करेंगे, और इसको हाई फ्लेम में गरम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील का प्लेट लिया है, इसके ऊपर जो हमने काट के रखा था बिस्किट के लिए उसको भी रख लिया है। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ग्रीस करेंगे। ये देखिए, और इसको हम बेक करेंगे। इसको कवर करेंगे हम, और इसको हम लो फ्लेम में 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे बेक होने के लिए। अब दूसरे साइड हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे, इसीलिए मैंने एक माइक्रोवेव ट्रे लिया है। तो इसमें हम एक बटर पेपर डाल दिए हैं। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ट्रे में थोड़ा सा बटर को भी ग्रीस कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को ग्रीस कर लिया है। इसको हम ओवन में रखेंगे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 मिनट्स। ये देखिए, 25 मिनट्स के बाद हमारा जो उस्मानिया बिस्किट है ये बन चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। ये देखिए, परफेक्ट बना है हमारा बिस्किट। अब चलिए देखते हैं गैस पे कैसे बना है। ये देखिए, गैस पे भी हमारा बिस्किट जो है
ये बन चुका है। ये लगभग 45 मिनट्स लगा था हमें बेक होने के लिए। सेम हमारा जैसे ओवन में बना है ये भी वैसे ही बना है। आप भी इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।